संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को इस शिविर के बारे में जागरूक करने के लिए चैरिटेबल फाउंडेशन के सेवकों द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस रैली को सीईओ वंदना वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली का संचालन कर रहे प्रवीण कुमार ने सेवकों को निर्देश दिया है कि पटेल नगर से निरंकारी भवन तक ये रैली निकाली जाएगी। प्रवीण कुमार ने कहा कि आज इस रैली के द्वारा नगर के चारों तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को रक्तदान करने के लिए जागरूक किया जाएगा। सीओ वंदना वर्मा ने कहा कि रक्तदान के जरिए दूसरों को जीवन दान दिया जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए मोटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिससे प्रभावित होकर ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान कर सके। निरंकारी सत्संग के जोनल इंचार्ज राज कपूर ने भी रैली के माध्यम से लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि रक्तदान करने से शरीर में जमा रक्त निकल जाता है और नया खून बन जाता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा की संख्या में रक्तदान करें। आज यहाँ ये निरंकारी सत्संग भवन में एक रैली का आयोजन किया गया है। मोटरसाइकिल रैली है और इसमें पूरे शहर से होकर ये रैली गुजरेगी। इस रैली के माध्यम से एक जागरूकता का अभियान है, जिसमें शहर के सभी लोगों को इसमें हम लोग जागरूक करना चाहते हैं जो रक्तदान क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं और उसका क्या लंबा उसके क्या निहित भाव रहते हैं, इसके लिए रैली निकाली जा रही है। और इसी रैली के परिप्रेक्ष्य में परसों यहाँ पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन हो रहा है, तो अधिक से अधिक लोग यहाँ आएँ और रक्तदान करें। रक्तदान महादान है, किसी के जीवन को बचा सकते हैं आप और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी डर के आप इसमें रक्तदान जो भी कर सकते हैं जरूर करें। ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से आज जागरूकता रैली निकाली जा रही है ताकि ज़रूरतमंदों को ब्लड दे करके उनकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। संत निरंकारी मंडल चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से हर वर्ष 24 अप्रैल को लगभग 250 ये कैंप लगाए जाते हैं। आज ही जो काशीपुर में ब्लड डोनेशन कैंप 6 तारीख को लगना है, उसके लिए जन जागरण रैली निकाली जा रही है, क्योंकि पहले तो लोग ब्लड देने से बहुत घबराते हैं, डरते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ब्लड देने से लाभ होता है, नुकसान क्यों होता है। जो रक्तदान करते हैं उनको हार्ट की बीमारियां नहीं होती है, ऐसा शोध किया गया है अमेरिका के अंदर। स्वस्थ रहने के लिए रक्तदान करना अति आवश्यक है। संत निरंकारी मंडल की तरफ से पूरे साल ही एक रक्तदान शिविरों का आयोजन होता रहता है। उसी तरह से आज यहाँ काशीपुर में रखा गया है। हॉस्पिटल से भी हमें मांग आती है कि हमारे यहाँ ब्लड कम है, थैलीसीमिया के मरीज वगैरह बहुत आते हैं, उनको हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो ये काशीपुर में ये जो हमारा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है 6 तारीख को, ये जनहित के लिए है। कोई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई अपने आप को शो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मिशन ही ऐसे है कि जीतेंगे जग को प्यार से, ना थूक ना तलवार से। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर बातों से ऊपर उठ करके मानवता की सेवा करना चाहते हैं। और हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह ने कहा था, रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, यानी खून खराबा छोड़ करके एक दूसरे को जियो और जीनो दो, इसी भावना से ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। आज निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी ने जैसा हमें आदेश किया कि आज इंसान का वक्त रक्त जो है अहिंसा में और मारपीट में और ये दाएं बाएं नालियों में बहता है, आज रक्त का जो सही उपयोग है वो मानव समाज में नाड़ियों में बहने के लिए उन्होंने कहा कि वो नालियों में ना बहे बल्कि नाड़ियों में बहे, और ये नाड़ियों में रक्तदान के ही हिसाब से बह सकता है कि हम मानव के एक जो जीवन मिला है मानव को, इसको बचाने के लिए जो रक्तदान की रक्त की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम यहाँ सब जने तत्पर रहते हैं। ये मिशन का जो अहमान है, आए दिन यहाँ पर हमारे कैंप लगते हैं पूरे भारतवर्ष में, और ये काफ़ी समय से इसका चलन चल रहा है। अब तक लगभग 12 लाख से ऊपर यूनिट हमारे निरंकारी मिशन के द्वारा इस सेवा में दिया जा चुका है, और आगे भी ये लगातार कैंप इसी प्रकार लगते जा रहे हैं। इससे संबंध में आज जो हम यहाँ एकत्र हो रहे हैं, ये एक जनता जन जागरण को ये इस संबंध में सूचित करने के लिए हम लोग एकत्र हो रहे हैं कि केवल निरंकारी मिशन ही नहीं, ये मानव समाज सबके लिए ज़रूरी है कि वो रक्तदान करें। स्वेच्छा से रक्तदान के लिए निरंकारी मिशन में
काशीपुर भवन में 30 तारीख को हमने जो कैंप रखा है इसमें हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे साथ संगत और सेवा दल के जवान तो रक्तदान करेंगे, उसके अलावा और भी हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो रक्त है वो नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।